एक कमरे के ससुराल में अमीर गरीब बहू का लक्ष्मी पूजन। माँ जी प्रसाद ला। बहू तेरे पूजा पाठ हो गए हो तो जरा मुझे भी नाश्ता दे दे, अभी लाई। वाह, मेरा तो ये एक कमरे का घर ही मंदिर रसोई सब बन गया है तेरे आने से बहू। श्रुति अपनी सास की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। श्रुति का बस एक ही कमरे का ससुराल था और वो उसमें काफी खुश भी थी। वैसे श्रुति की शादी हुए लगभग 3 साल हो चुके थे और अब तो उसकी प्रिया नाम की एक छोटी सी बच्ची भी थी, लेकिन अभी तक भी श्रुति की आदत में कोई बदलाव नहीं था। एक दिन विद्या की पड़ोसन उसके घर आई। विद्या, संध्या तू आ जा। बहू ला संध्या चाची के लिए चाय ले आ। लाई माँ जी। श्रुति संध्या के लिए एक कप में चाय और बिस्किट्स ले आई। वाह विद्या, तुझे तो बड़ी ही आदर्श बहू मिली है। सही कहा, ऐसी बहू पाकर मैं बड़ी ही खुश हूँ। दोनों सहेलियां ऐसे ही आपस में बातें कर रही थी। वैसे विद्या, अब तो तू अपने छोटे बेटे की भी शादी की सुध कर ले। सही कहती है, कोई अच्छी सी लड़की तेरी नजर में हो तो बताना। एक लड़की है मेरी नजर में, तू चाहे तो वहाँ जाकर अरुण की शादी की बात कर लेना, लेकिन वो लड़की अमीर है। अमीर घराने की लड़की? इस एक कमरे के ससुराल में तो पता नहीं वो गुजारा करने को राजी भी होगी या नहीं, लेकिन चलो मैं उनसे बात करूंगी। जरूर करना। संध्या ने लड़की वालों को सारी बातें बताकर बात की। ज्योति के घर वालों को एक कमरे के ससुराल से कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए अरुण का रिश्ता वहाँ पक्का हो गया। और कुछ ही समय बाद ज्योति विद्या की बहू बनकर अपने ससुराल भी आ गई। अब ज्योति की शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। दोनों अमीर गरीब बहू अपने एक कमरे के ससुराल में ही किसी तरह गुजारा कर रही थी। ज्योति बहू। जी सासू माँ। आज मैं मेरी सहेलियों के साथ कहीं जा रही हूँ, तू भी मेरे साथ चलना। जी माँ जी, आप कहीं जाने की बात कर रही हो क्या? अरे हाँ कर रहे हैं, लेकिन ये आपके मतलब की बातें नहीं है। हाँ बहू तू जा, जाकर काम देख। विद्या ने श्रुति को यूं ही भगा दिया। श्रुति को ये बात काफी ज्यादा फील हुई। दरअसल श्रुति गरीब परिवार की बेटी थी, जिसे विद्या का बड़ा बेटा अनुराग लव मैरिज करके घर लाया था, और इसी वजह से वो कोई दहेज वगैरह भी अपने साथ नहीं लाई थी। लेकिन ज्योति अपने साथ ढेरों दहेज लेकर आई थी, जिसकी वजह से विद्या ज्योति को ज्यादा इज्जत और प्यार देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन सासू माँ। हाँ बहू। देखिए मेरा तो अब इस घर में ना दम घुटने लगा है, मैं इस छोटी सी जगह में अपना सामान एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। बेटा हमारा घर तो बस इतना ही बड़ा है। देखिए या तो आप मेरे सामान को किसी सही जगह पर सेट कीजिए, वरना मैं अपने पति के साथ कहीं और रह लूंगी। ऐसे मत बोल। अच्छा ठीक है, तुझे अगर ये जगह कम लगती है तो मैं श्रुति के थोड़े बहुत सामान को यहाँ से बाहर एडजस्ट करवा दूंगी। विद्या ने श्रुति का सामान अपने कमरे से निकाल कर घर के छोटे से बरामदे में रख दिया। माँ जी ये सब, ज्योति को वो जगह कम लगती है इसीलिए। लेकिन माँ फिर मैं और प्रिया? अरे तू यहाँ बरामदे में रह लेना, वैसे भी तू कौन सा ढेरों दहेज लेकर आई थी जो मैं तुझे रहने को कमरा दूं। अपनी सास की बात सुनकर श्रुति हक्का बक्का रह गई और बिना कुछ बोले बरामदे में ही रहने लगी। श्रुति का पति शहर से बाहर काम करता था, इसीलिए उसे इस सब की खबर ही नहीं थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। श्रुति उस छोटी सी जगह में ही अपना गुजारा कर रही थी और अब दीपावली आने वाली थी। दीपावली की तैयारियां और घर की सफाई सभी कुछ करना है, मैं माँ जी से पूछती हूँ कि कहाँ से शुरुआत करें। श्रुति अपनी सास के पास ये सब पूछने आ ही रही थी कि तभी उसने कुछ देखा। देख ज्योति बहू, ये सोने का हार मैं खास तौर से तेरे लिए लाई हूँ, दीपावली के दिन ये तुझ पर बहुत जचेगा। थैंक्स। और ये देख ये सिल्क की साड़ी। विद्या ऐसे ही ज्योति को सामान दे रही थी। वहीं पर खड़ी श्रुति बस ये मंजर देख रही थी। इससे पहले श्रुति कुछ बोलती, उसकी 4 साल की नन्ही बेटी प्रिया बोल पड़ी। दादी माँ आप मेरे लिए ताले तलाई हो? अरे नहीं, मैं तो तेरे लिए कुछ लाना ही भूल गई। अपनी दादी की बात सुनकर नन्ही प्रिया रो पड़ी। अरे श्रुति इसे संभाल, इसके रोने से मेरा सर दर्द कर रहा है।
ऐसे बोलती हुई विद्या अपने पलंग पर लेट गई। बेचारी श्रुति ये सारा मंजर देखती रह गई। इतना भेदभाव देख उसकी भी आंखें नम हो गईं और वो बरामदे में आकर रोने लगी। भगवान जी, मैंने माँ जी को प्यार दिया, इज्जत दी, सिर्फ अगर कुछ ना दे सकी तो वो दहेज था। क्या दहेज प्यार और इज्जत से ज्यादा मायने रखता है? श्रुति को सभी बातें याद आने लगी, लेकिन वो बेचारी क्या कर सकती थी। देखते ही देखते ऐसे ही दिन बीत गए और आज दीपावली का दिन था। दीपावली के दिन ज्योति ने अपनी सास की किसी काम में मदद नहीं की। बहू, मेरे साथ आकर लड्डू बनवा दे। सासू माँ, त्योहार के दिन मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, अंडरस्टूड? ऐसे बोलकर ज्योति वहीं बैठकर फोन चलाने लगी। बेचारी विद्या उसे देखती रह गई। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद श्रुति ने ढेरों पकवान बनाकर तैयार कर दिए और साथ ही उसे एक कमरे को अच्छे से सजा भी लिया था। मेरा तो सारा काम हो गया, चलो अब दीप जला लेती हूँ। श्रुति ने सारे घर में दीप जला दिए और फिर वो दरवाजे पर बैठकर रंगोली बनाने लगी। इतने भेदभाव के बाद भी श्रुति सभी कामों में हाथ बटा रही थी। विद्या को अब थोड़ी थोड़ी सी अपनी गलती महसूस हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। और शाम को, ज्योति बहू, शाम हो गई है, आजा तू भी अब लक्ष्मी माँ की पूजा कर ले। सासू माँ, मेरी डिक्शनरी में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा नहीं है, मैं तो चली पटाखे जलाकर दिवाली मनाने। ज्योति तैयार होकर बिना माँ लक्ष्मी की पूजा किए हुए पटाखे चलाने चली गई। विद्या परेशान थी कि वो उसका क्या करे। तभी उसकी नजर श्रुति पर पड़ी जो माँ लक्ष्मी को बैठी हुई पूज रही थी। विद्या को उसे देख देख कर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जो बहू मेरी संस्कारों से अमीर थी, मैंने उसे अपने से दूर कर दिया। ये मैंने क्या किया? विद्या यही सब सोच कर दुखी थी, क्योंकि ज्योति तो बस पटाखे जलाने में मगन थी। अभी ज्योति पटाखे जला ही रही थी कि उन पटाखों से उसकी ही चुन्नी में आग लग गई। उसी समय श्रुति भी दीपक जलाने छत पर आई थी और उसने ये सब कुछ देख लिया। संभाल कर, कोई बचाओ! श्रुति घबरा गई और उसने जल्दी से ज्योति की चुन्नी को दूर फेंक दिया। ज्योति भी बहुत डर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? श्रुति की खुद के लिए इतनी फिक्र देखकर ज्योति को अपनी गलती महसूस हुई। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैं बिना वजह ही आपसे चिढ़ती थी। मैंने आपसे आपका एक कमरे का ससुराल भी छीन लिया। ज्योति श्रुति से माफी ही मांग रही थी कि तभी पीछे से विद्या आ गई। देखा बहू, तूने अपनी जेठानी को दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे जलाना नहीं, बल्कि सभी के साथ मिलजुल कर रहना है। बहू, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ, आप प्लीज ऐसे माफी मत मांगिए, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। चलिए ये सब कुछ भुला कर मिलकर दिवाली मनाते हैं। आओ ज्योति, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसके बाद हम सभी पटाखे जलाएंगे। ज्योति ने खुशी से हाँ में गर्दन हिलाई और फिर दोनों अमीर गरीब बहुओं ने मिलकर दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को पूजा। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर अपने एक कमरे के ससुराल को दीपकों की रोशनी से रोशन कर दिया और मिलकर एक बहुत ही खुशियों से भरी दिवाली को मनाया। इस दिन श्रुति को उसकी सास का प्यार और अपनी इज्जत सब कुछ वापस मिल गया था। और सभी ब्लू है पानी 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 और दिन है सानी 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 सानी, आ जाओ ऑन द बीच यार, फोटो मेरी खींच, फूटी किस्मत होगी तेरी जो तूने ये बात न मानी। आहा आहा, अरे अरे, डांस ही करते रहोगे या ड्रिंक्स भी करोगे? अपना मॉकटेल तो पियो। ध्रुव, निखिल, आकाश, संजय, अबीर, डोंट शाय यार। अरे तुम हमारी साली हो और नित्या के सामने कैसे? हाँ, वैसे भी हमें इन सब की आदत नहीं है, पांचों भाइयों को। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं, तुम पांचों अमीर हो इसलिए क्लब लॉन्च बीच पर आना तुम्हारे लिए नॉर्मल है, पर हमें इन सब की आदत शुरू से नहीं है। हाँ, और ये सब हमने तुम पांचों बहनों के कहने पर किया है, वरना हम तो अपने गाँव से भी कभी बाहर नहीं आई। अरे यार, जीजू बड़ी मुश्किल से हमारे पेरेंट्स माने हैं, तो सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए ना। और उसके बाद हम तुम्हारे गरीब घर में आकर रहेंगे, घर संभालेंगे, तो ये सब मौका कहाँ मिलेगा, इसलिए शादी से पहले यहाँ आने का सोचा है। दीप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ओके ओके, अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीडियो पार्टी ऑल नाइट, आंटी पुलिस बुला लेगी फिर भी पार्टी यूं ही चलेगी। ओहो, ओहो, क्या वाइब आ रही है पार्टी में।
इन सब की बातों से आप इतना जान ही गए होंगे कि पांचों लड़कियां एक अमीर परिवार से हैं, जो कि गरीब परिवार के लड़कों से प्यार करती हैं और कुछ दिनों बाद लव मैरिज कर लेते हैं। जहां पांचों अमीर लड़कियों को गरीब घर में जाना पड़ता है, सास सुशीला अपनी बहू की आरती कर उनके गृह प्रवेश करती है। हाय मेरी पांच बहू, आसमान से उतरी परियां लग रही हैं। हाँ शीला, बिल्कुल ठीक कहे थो, आसमान में एक होता है। ये हमारे घर पांच पांच आई हैं। बहू मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम हमारे इतने गरीब छोटे से घर में कैसे रहोगी? हमारे बच्चों के लिए तुम अपना अमीर ऐशो आराम छोड़कर आ गई। तुम चाहती तो तुम्हें अच्छे परिवार के अमीर लड़के भी मिल सकते थे। हाँ पापा जी, पर जरूरी नहीं है हर अमीर लड़की अमीर लड़के और पैसे को ही चाहे। हम पांचों बहन ने आपके बेटे में वो देखा जो आजकल के हर लड़कों में नहीं होता। वो बस पैसों के पीछे भागते हैं, पर आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि हम भी अपना ऐशो आराम छोड़ने के लिए राजी हो गए। देखो माँ, हमारी पसंद कितनी अच्छी और संस्कारी भी है। हाँ हाँ, तुम पांचों बच्चे सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। पांचों बहू शर्मा कर अपने कमरों में चली जाती हैं। अगले दिन से पांचों बहू अपने छोटे से गरीब ससुराल को प्यार से संभालती हैं। कुछ कुछ काम करने में अमीर बहू को परेशानी आती है, जैसे सुबह चेतना लगातार कोशिश करने पर भी चूल्हा नहीं जला पा रही थी। हे भगवान, इतनी देर हो गई, इन लकड़ियों के बीच कागज भी लगा दिया, मिट्टी का तेल भी डाल दिया, पर अभी तक चूल्हा जल ही नहीं पा रहा। नित्या दीदी, आप देखो ना, मुझसे नहीं हो रहा, चाय भी बनानी है। अरे मुझसे नहीं हो रहा था, तभी तो मैंने तुझे बुलाया था। अरे बहू, तुम्हें काम करने में कोई कठिनाई आ रही है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। देखो, छोटी छोटी हल्की लकड़ी रख दो, जिससे आंच जल्दी लग जाए, और नहीं हो तो उपला या उपले का चूरा रख दो, उससे जल्दी हो जाता है। देखो लग गई ना। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत आसान था, शुक्रिया माँ जी। माँ जी, खाने में क्या बनाएं और कैसे बनता है आप हमें बता दोगी? वो क्या है ना, हमने ज्यादा खाना बनाया नहीं अपने घर में। कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हारी माँ बनके तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैं उन सास में से नहीं हूँ जो अपनी बहू को डांटे उन पर हक जमाए। फिर सुशीला अपनी पांचों बहू को खाना बनाना सिखाती है और जो काम करने में उन्हें कठिनाई होती है सुशीला वो सब भी उन्हें बताती है। वक्त गुजरता है, हल्की ठंड आनी शुरू हो गई थी। एक हफ्ते के लिए पांचों बेटे काम के सिलसिले से शहर चले जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन तूफान के कारण उनके कच्चे घर की छत और दीवार गिर गई थी, जिसमें उन सब की जान तो बच जाती है लेकिन घर टूट जाता है। ये देखकर सास ससुर सर पीट कर रोते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? वैसे भी एक हफ्ते बाद दिवाली थी, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि घर को दोबारा बना सकें। हे नंद किशोर, ये क्या हो गया, अब मेरे बहू बेटे कहाँ रहेंगे? अंदर का सामान भी खराब हो गया होगा, दिवाली का सामान लाने के कुछ पैसे बचे थे, अब वो यहाँ लगाने पड़ेंगे। मेरी पांचों बहू की पहली दिवाली थी और वो भी खराब हो गई, मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं। माँ जी शांत हो जाइए, आप दोनों ऐसे रोएंगे तो हम बच्चे तो कमजोर पड़ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम दिवाली जरूर बनाएंगे। आपकी पांचों बहू की पहली दिवाली खराब नहीं होगी और ना ही आपके अरमान। और जहां तक इस घर की बात है तो हम पांचों बहू मिलकर बनाएंगी अब। हाँ माँ जी, हम पांचों जरूर बनाएंगे। आप ये बताइए, पहले के जमाने में घर कैसे बनाए जाते थे, क्योंकि जब ईंट और सीमेंट तो होते नहीं थे। वो बहू, पहले तो घास मिट्टी उपले से ही घर को बना लिया करते थे, सब ऐसे ही रहते थे और लागत भी नहीं लगती थी। हाँ बहू, और मजबूत के मजबूत भी होते थे। हम भी इस घर को सुंदर एक मिट्टी का घर बनाएंगे और अपनी पहली दिवाली यही मनाएंगे। चलो बहनों, काम पर लग जाओ, पहले हम अपने घर का फंसा हुआ सामान बाहर निकाल लेते हैं। हाँ चलो माँ जी, पापा जी आप इस पेड़ के नीचे ही बैठ जाइए, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो हम हैं ही। फिर पांचों बहू टूटे हुए घर का मलबा और सामान हटाती हैं। 3-4 घंटे बाद वो घास और गोबर में मिट्टी लाकर मिश्रण तैयार कर लेती हैं।
और उससे दीवार और छत को दोबारा बनाती हैं। अगली सुबह तक पांचों बहुएं मिट्टी का एक खूबसूरत पक्का घर तैयार कर लेती हैं, जिसे देखकर सास ससुर कहते हैं, अरे वाह बहुओ, तुमने तो पहले से भी ज्यादा और अच्छा मजबूत घर बनाया है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये कमाल मेरी पांचों बहू का है। अब हम अंदर चल सकते हैं। हाँ हाँ माँ जी, चलिए, ये घर तो आप दोनों का ही है, हमसे क्या पूछना। अब हमारी पहली दिवाली देखना कितनी अच्छी मनेगी हमारे इस मिट्टी के घर में। वो तो है बहू। अरे तुमने मिट्टी का चूल्हा भी बना लिया। बताओ महेश, कोई कह देगा ये मेरी वही बहू है जिन्हें मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आ रहा था, और अब चूल्हा क्या पूरा मिट्टी का घर बना दिया। हाँ ये तो ठीक कहा तुमने। जब सब घर के अंदर जाते हैं तो सुशीला बहुत तारीफ करती है। कुछ दिन बाद दिवाली आ जाती है। पांचों बहू घर को रंगोली और फूलों से सजा देती हैं और शाम को खिड़की दरवाजे चौखट बल्कि पूरे घर को दिए से सजा देती हैं। अरे वाह, हमारा मिट्टी का घर कितना सुंदर लग रहा है। तुम पांचों बहू ने तो दिए से और भी घर को जगमगा दिया है। शुक्रिया माँ जी, बस जल्दी से हमारे पांचों पति भी आ जाए तो साथ में लक्ष्मी पूजन कर लें। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर पूजा में लक्ष्मी माता को भोग लगाने के लिए कोई मिठाई नहीं है। काश हमारे पति पैसे भी ले आए। तुमने पुकारा और हम चले आए, माँ बाबूजी हम सब आ गए, किसी को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि मिठाई पैसे नए कपड़े और पटाखे हम सब लेकर आए हैं, क्योंकि हमें दिवाली का बोनस भी मिला है। हमारे मालिक हमसे बहुत खुश थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही खूब तरक्की करो। ये कहकर सारे परिवारजन लक्ष्मी जी और गणेश जी के सामने बैठ जाते हैं। महेश लक्ष्मी जी को भोग लगाता है। आरती शुरू करने से पहले मैं तुम पांचों बहू से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें दिवाली का महत्व पता है? ठीक से नहीं पता माँ जी, पर आप बता दीजिए। हाँ तो सुनो, तुम्हें पता ही होगा कि राम जी रावण का वध करके 21 दिन बाद लौटे थे और पूरा अयोध्या दिए से जगमगा रहा था। इसलिए सब लोग दिवाली पर अपने घर को दिए से सजाते हैं और उनकी खुशी में ये दिवाली मनाई जाती है। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, पहले उनकी आरती, फिर लक्ष्मी माता की। ओ अच्छा, याद आ गया, पर उन्हें आने में किस दिन लगे थे ये नहीं पता था। बड़ी दीदी आप आरती कीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणपति बप्पा की। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। हे लक्ष्मी माता, हमारे परिवार पर अपनी ऐसे ही असीम कृपा बनाए रखना। चलो पूजा संपन्न हुई, अब बाहर पटाखे जलाते हैं। इस तरह पांचों अमीर घर की लड़कियां बिना किसी घमंड के प्यार से अपने गरीब ससुराल वालों को अपनाती हैं और संघर्ष करती हैं। घर ना होने पर मिट्टी का घर बनाकर अपनी पहली दिवाली बहुत अच्छे से मनाती हैं। बहू बेटे पटाखे जलाकर मस्ती करते हैं। कुछ समय बाद उनकी तरक्की हो जाती है और वह शहर में अपने लिए पक्का मकान ले लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।